हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे ब्लॉग में। अभी कॉल आया था हमारे ड्राइवर का कि उसके हाथ से एक नाक मशीन में दब के ख़त्म हो गया है और वो बहुत डर चुका है वहाँ पर, और मशीन गर्म भी हो रही है, खड़ी हो गई वहीं पे। तो हम पहुँच चुके हैं मशीन के पास, यहाँ से बहुत दूर मशीन है। आपको दिखा रहे हैं कितनी दूर मशीन है, चलते हैं वहाँ पर मशीन के पास में और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको मशीन दिखा देते हैं, मशीन हमारी ये खड़ी है, यहाँ से बहुत दूर खड़ी है, और हमारी कार खड़ी है देखो यहाँ पर बाहर, वो भी बहुत दूर खड़ी है, यहाँ से रास्ता नहीं है मशीन तक जाने का। हमारे ऑपरेटर लोग डीजल ले जा रहे हैं डब्बे को पकड़ के, बहुत दूर है। तो चलते हैं मशीन के पास में, देखते हैं क्या हुआ है, क्यों गर्म हो रही, क्या प्रॉब्लम आ गया है उस पर। जब तक आप कल जो हमारे यहाँ उर्स का कार्यक्रम था उसके वीडियो आप देखें, हम पहुँचते हैं फिर वहाँ पे, आपको और डिटेल बताते हैं, फिर चलते हैं। और देखते हैं गर्म क्यों हो रही है, थोड़ा सा ऑयल निकलवाते हैं इसमें 1-2 लीटर ट्रांसमिशन, और उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं चला के गर्म हो रही कि नहीं हो रही। फिर ये हमारा QR कोड है, इसे हमें यहाँ सामने कांच पे लगाना मशीन के, हमने यहाँ लगा दिया है कैशलेस पेमेंट के लिए। कुछ ग्राहकों को अगर नकदी ना देना रहे तो कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं हमको, तो हमें पैसे लेने भी आने में दिक्कत ना हो। और अभी दोपहर का टाइम है, बिल्कुल धूप बहुत तेज़ है, सुनसान पूरा नज़र आ रहा, सामने से रोड दिख रही है। और हम अपनी कार दिखाते हैं आपको, वो भी बहुत दूर खड़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा वाइट वाइट, वो है हमारी कार। और थोड़ा सा ऑयल निकाल लेते हैं हम फटाफट यहाँ से ट्रांसमिशन से, 1-1.5 लीटर ऑयल गिरा लेते हैं, और उसके बाद फिल्टर से भी निकालेंगे, फिर चला के देखेंगे कि ये गर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि सिग्नल आ रहा है ट्रांसमिशन ऑयल की वजह से गर्म हो रही गाड़ी। अगर ये ट्रिक अपनाने से अगर हमारी टेम्परेचर मतलब बढ़ता नहीं है गाड़ी का तब तो ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर हमको इंजीनियर बुलवाना पड़ेगा कंपनी की तरफ से कि क्यों गर्म हो रही गाड़ी। और हम अभी यहाँ पे फिल्टर से भी निकाल रहे हैं ऑयल, फिल्टर खोल के उसमें करीब 0.5 लीटर ऑयल रहता है, तो उसको भी गिराएंगे और फिर लगा देंगे फिल्टर को। तो ये काम फटाफट हम कर लेते हैं, फिर इसके आगे अपन इसको चला के चेक करते हैं, 20 से 25 मिनट गाड़ी अपन रन अप चला के देखते हैं, लोडर चला के देखते हैं कि ये गर्म हो रहा नहीं हो रहा, तो फिर फटाफट ये काम हम कर लेते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि अभी हमारा ऑपरेटर थोड़ा सा डरा हुआ है, अभी गड्ढा खोदते समय इसको अभी यहाँ पे एक नाक मिल गया था और बकेट में वो दब के ख़त्म भी हो गया, तो उसको कहाँ पे हुआ था ये अभी आपको आगे वीडियो में मैं दिखाता हूँ वो काम।
हमने मशीन से करीब 1 से 1.5 लीटर ट्रांसमिशन ऑयल निकाला है और अब इसको टेस्ट करते हैं चला के कि ये गर्म हो रही नहीं हो रही है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। और आपको वो जगह दिखा दूँ, ये वो जगह थी यहाँ पर जेसीबी ने खुदाई शुरू की थी और वहाँ यहाँ से नाग निकला था और बकेट में दब के वो ख़त्म हो गया, उसको यहीं पे दफना दिया गया अंदर गड्ढा में। और ऑपरेटर को भी हमने समझा दिया अच्छे से, वो बहुत डर चुका रहा तो उसको समझा दिया कि ये जानबूझ के उसने किया नहीं है, ये तो हादसा रहा हो गया, कोई बात नहीं है ना कुछ होना है। फिर से वो अपने काम पे लग गया है। हमने अभी कम से कम 20 मिनट चला के चेक किया मशीन को, अभी वो गर्म नहीं हो रही है। 1 से 1.5 लीटर ऑयल निकाला हमने तो गर्म नहीं हो रही है, फिर देखते हैं और चलती है, फिर ऑपरेटर बताएगा फ़ोन करके कि कोई दिक्कत है कि नहीं है। दोस्तों धूप में देखो हमारा फेस बिल्कुल लाल नज़र आ रहा है और बहुत तेज़ धूप है। अभी टाइम हो रहा है करीब 4 बज रहे हैं शाम के और बहुत तेज़ धूप है यहाँ पर, मशीन भी चल रही है, टेम्परेचर भी बहुत हाई है। हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खड़ी है, बहुत दूर है यहाँ से, आपको नज़र नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, बहुत दूर है और मशीन हमारी यहाँ चल रही है। ठीक है फिर चलते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय।